हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस के चैप्टर वन की एक्टिविटी नंबर टू। एक्टिविटी टू के अंदर हमारे को क्या करना है, पहले मैंने बोर्ड पे लिख दिया, पहले मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसको मैं परफॉर्म करके बताता हूँ। एक्टिविटी टू के अंदर हमारे को रिएक्शन करवानी है लेड नाइट्रेट, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये लेड नाइट्रेट है जिसका कलरलेस सॉल्यूशन है, जिसका कोई भी कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम आयोडाइड भी देख पा रहे होंगे कि अब ये कलरलेस सॉल्यूशन है, इसका भी कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, लेड आयोडाइड बनेगा जो कि येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है। प्रिसिपिटेट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो सोल्यूबल नहीं होती, घुलती नहीं है और नीचे बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है हमारे, प्रिसिपिटेट, जिसको शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं। तो हमारा लेड आयोडाइड फॉर्म होगा जो कि इनसोल्यूबल होगा, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। इसके अलावा हमारा बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट जो कि क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर ऊपर तैरता रहेगा। चलो इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि ये रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी बोला जाता है और साथ में ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये लेड नाइट्रेट है, ये दो आयन से मिलकर बना हुआ है, पीबी प्लस टू आयन और NO3 माइनस आयन, और इसी तरीके से ये जो KI है ये K प्लस और I माइनस दो आयन से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे आयन से एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी कि जो PB है वो I के साथ जा रहा है, तो क्या बना रहा है, PbI2 बना रहा है और NO3 किसके साथ जाएगा, K के साथ, तो ये क्या बना रहा है, KNO3। तो यहाँ पे आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है। आयन्स का एक्सचेंज होने की वजह से जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम करके देखते हैं। तो ये मेरा लेड नाइट्रेट है जो कि कलरलेस है और ये है पोटेशियम आयोडाइड जो भी बिल्कुल कलरलेस है। जैसे ही मैं दोनों को मिक्स करूँगा तो आप देखोगे कि इसके अंदर येलो कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर येलो कलर का प्रिसिपिटेट बन के तैयार हो गया है। ये क्या होगा, थोड़ी देर तक अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नीचे इस तरीके से क्या होगा, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। ये है हमारा लेड आयोडाइड और इसके ऊपर जो ये है पोटेशियम नाइट्रेट। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से साइंस को प्रैक्टिकली समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।